हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो लेक्चर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द एक्वायर्ड एंड द इनहेरिटेड ट्रेड्स, यानी कि ऐसी ट्रेड्स जिनको हम एनवायरनमेंट से लेते हैं उन्हें हम कहेंगे एक्वायर्ड ट्रेड्स, और ऐसी ट्रेड्स जिन्हें जो हमारे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आती हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, इनहेरिटेड ट्रेड्स हम इनको कहेंगे, यानी कि जो कैरेक्टर है वो इनहेरिट हुआ है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। ठीक है, तो इन्हीं के बीच में हम ये भी कह सकते हैं कि डिफरेंसेस को जानेंगे। तो पहले हम बात करेंगे इसमें एक्वायर्ड ट्रेड्स की। दीज आर द ट्रेड्स विच आर डिवेलप्ड इन एन इंडिविजुअल ड्यू टू स्पेशल कंडीशंस। तो ये कुछ ऐसी ट्रेड्स होती हैं जो किसी इंडिविजुअल में डिवेलप हो जाती हैं, और कब डिवेलप होती हैं, कुछ स्पेशल कंडीशंस के दौरान ये डिवेलप होती हैं। कुछ ऐसा मतलब एनवायरनमेंट ऐसा हो गया तो उसकी वजह से क्या होगा कि किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में चेंजेस हो जाते हैं, तो इसी को हम क्या कहेंगे, इन एक्वायर्ड ट्रेड्स हम इसको कहेंगे। नेक्स्ट है इसमें इनहेरिटेड ट्रेड्स, ये इससे कैसे डिफरेंट है एक्वायर्ड ट्रेड से। दीज आर द ट्रेड्स विच आर पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। ये कुछ ऐसी ट्रेड्स होती हैं जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास आउट होती चली जाती हैं, इसीलिए इनको क्या कहेंगे, इनहेरिटेड ट्रेड्स कहेंगे। यानी कि कैरेक्टर्स हमने अपने पेरेंट्स ऑफ, जैसे हम सभी ने जो कैरेक्टर्स लिए हैं अपने पेरेंट्स से, हमारे अंदर आए हैं, और मे बी पॉसिबल कि हमसे ये हमारी प्रोजेनी के अंदर चले जाएँ, तो ऐसे कैरेक्टर्स को क्या कहते हैं, इनहेरिटेड ट्रेड्स हम इनको कहेंगे। नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे, दे कैन नॉट बी ट्रांसफर टू द प्रोजेनी। बिल्कुल ये जो चेंजेस होते हैं एक्वायर्ड ट्रेड्स जो होती हैं ये प्रोजेनी के अंदर ट्रांसमिट नहीं हो सकती हैं, क्योंकि जो चेंज आ रहा है वो बॉडी के अंदर आ रहा है। जैसे कि कानों का छेदना, जैसे कान के अंदर जो पोर कानों में छेद कर दिए जाते हैं, तो वो एनवायरनमेंट में आने के बाद चेंज हुआ, तो वो जो चेंज है वो सेल के अंदर जो जीनोम है उसके अंदर चेंज नहीं हो रहा है, इसीलिए जीनोम के अंदर चेंज ना होने की वजह से ये जो कैरेक्टर्स हैं वो प्रोजेनी के अंदर ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। दे गेट ट्रांसफर टू द प्रोजेनी, जबकि ये ट्रांसफ़र हो सकते हैं प्रोजेनी में। क्यों ट्रांसफ़र हो सकते हैं, क्योंकि ये जो चेंजेस हैं वो डीएनए के अंदर होते हैं, और डीएनए के अंदर जब चेंजेस होंगे तो डीएनए क्या है, हमारा जेनेटिक मटीरियल या जीनोम है, और जब वहाँ पर चेंजेस होंगे तो प्रोजेनी के अंदर ये चेंजेस दिखाई देंगे। नेक्स्ट है इसमें, दे कैन नॉट डायरेक्ट इवोल्यूशन, और ये डायरेक्टली कोई भी इवोल्यूशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो भी चेंजेस हैं वो बॉडी के अंदर हैं, तो इनमें इसीलिए यहाँ पर जो इवोल्यूशन है उसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। अब इनहेरिटेड ट्रेड है इसमें क्या होता है, दे आर हेल्पफुल इन इवोल्यूशन, जबकि ये कैसे होते हैं इवोल्यूशन में हेल्पफुल होते हैं, जैसे कि कलर ऑफ आईज एंड हेयर, तो इनकी वजह से जैसे जनरेशन आफ्टर जनरेशन उसमें अगर डीएनए में लगातार चेंजेस होते चले जा रहे हैं, तो आगे आने वाली जो ऑफस्प्रिंग है हो सकता है कि उसके अंदर थोड़े चेंजेस देखने को मिले, वो अपने पेरेंट्स से थोड़ी सी डिफरेंट मिल जाए। तो ये जो हैं एक्वायर्ड कैरेक्टर्स जो हैं, सॉरी इनहेरिटेड कैरेक्टर्स जो हैं, वो ऑफस्प्रिंग के अंदर चेंजेस लाने में या इवोल्यूशन लाने में हेल्पफुल होते हैं, जबकि ये नहीं होते हैं। अब नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे, वेज बाय वेज स्पेशिएशन टेक प्लेस, यानी कि ऐसे कौन कौन से वेज हैं जिसकी वजह से स्पेशिएशन होता है। स्पेशिएशन यानी कि कुछ स्पेशल टाइप के कैरेक्टर्स किसी ऑफस्प्रिंग के अंदर दिखाई देते हैं, तो उसके क्या क्या वे हैं। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट लाइन क्या लिखी हुई है, स्पेशिएशन टेक प्लेस व्हेन वेरिएशन इज कम्बाइंड विद ज्योग्राफिकल आइसोलेशंस, यानी कि स्पेशिएशन कब होगा, स्पेशिएशन तब होगा जब जो वेरिएशंस हैं वो ज्योग्राफिकल आइसोलेशंस के साथ कम्बाइंड कर जाते हैं, तब ये स्पेशिएशन होता है। कुछ जो स्पेशल टाइप के कैरेक्टर्स किसी स्पीसीज के अंदर दिखाई देते हैं तो वो कब होंगे, जब वेरिएशन ज्योग्राफिकल आइसोलेशन के साथ कम्बाइंड कर ले, तब स्पेशिएशन देखने को मिलता है। अब आपको पता है वेरिएशन कब आते हैं, रिप्रोडक्शन के दौरान वेरिएशन आते हैं, और वो जो वेरिएशन है जब ज्योग्राफिकल आइसोलेशन के साथ कम्बाइंड कर लेंगे तो किस में बदल जाएंगे, स्पेशिएशन में बदल जाएंगे, या फिर उनके अंदर स्पेशिएशन हो जाएगा। अब स्पेशिएशन के कुछ ये इसमें पॉइंट्स बताए जा रहे हैं, ये भी एक स्पेशिएशन का पार्ट है, जैसे कि जीन फ्लो में क्या होता है, अकर्स बिटवीन टू पॉपुलेशंस दैट आर पार्शली बट नॉट कम्प्लीटली सेपरेटेड। तो ये जो जीन फ्लो होता है ये कैसी पॉपुलेशंस के बीच में होता है, दो ऐसी पॉपुलेशंस के बीच में होता है, मतलब दो पॉपुलेशंस के बीच में जो जीन्स का फ्लो होता है, जो पार्शली तो एक दूसरे से कनेक्टेड है लेकिन पूरी तरह से एक दूसरे से सेपरेट नहीं है। ठीक है, ऐसी दो पॉपुलेशन के बीच में जीन फ्लो देखने को मिलेगा, जो पार्शली पॉपुलेशन एक दूसरे से कनेक्टेड है लेकिन पूरी तरह से वो एक दूसरे से सेपरेट नहीं है, उनके अंदर ये जो जीन फ्लो है वो देखने को मिल सकता है, या वहाँ पर ये जीन फ्लो होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर,
जेनेटिक ड्रिफ्ट. जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है? इट इज़ द रैंडम चेंज इन द फ्रिक्वेंसी ऑफ एलील्स इन एन पॉपुलेशन या इन अ पॉपुलेशन. यानी कि ये क्या है, एक कुछ मतलब एलील्स में किसी पॉपुलेशन की जो एलील्स होते हैं उन एलील्स में फ्रिक्वेंटली रैंडम चेंजेस जो होते हैं, फ्रिक्वेंसी में जो रैंडम चेंजेस होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं. अब आप इसको कैसे समझ सकते हैं, जैसे कि कोई कैरेक्टर है वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन हर एक जनरेशन के अंदर वो पास होता चला जा रहा है, लेकिन सडनली क्या हुआ कि वहाँ पर उस क्रोमोसोम के ऊपर कोई, ये क्रोमोसोम है क्योंकि क्रोमोसोम ही क्या करते हैं कैरेक्टर्स को एक से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं, और कैरेक्टर्स में भी स्मॉल यूनिट क्या होती है, जीन्स होते हैं. तो यानी कि कोई जीन्स का पेयर है और वो जो 1, 2, 3 इस तरीके से इस पर जीन्स के नंबर पड़े हुए हैं, तो जीन्स का ये पेयर है और ये जो जीन्स है मान लीजिए कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर को किसी ऑर्गेनिक किसी अपनी मतलब ऑफस्प्रिंग के अंदर शो कर रहा था, लेकिन सडनली क्या हुआ काफ़ी जनरेशन तक उसने उस कैरेक्टर को दिखाया, लेकिन सडनली क्या हुआ कि उस जीन पेयर में या उस एलील में कुछ रैंडम चेंजेस आ गए, उसकी फ्रिक्वेंसी में कुछ रैंडम चेंजेस आ गए, और रैंडम चेंजेस आने की वजह से जो कैरेक्टर है जो काफ़ी जनरेशन से एक जैसा चला आ रहा था उसमें चेंजेस हो गए, और इसी को हम क्या कहेंगे, जेनेटिक ड्रिफ्ट कहेंगे. ठीक है, तो जीन्स जो होते हैं उनमें कुछ उनकी फ्रिक्वेंसी में कुछ रैंडम चेंजेस आ जाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं. नेक्स्ट है इसमें अब हम बात करेंगे, अब ये जेनेटिक ड्रिफ्ट किसकी वजह से हो सकते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट किस किस की वजह से आ सकते हैं, जैसे कि कुछ डीएनए में कुछ सेवरल चेंजेस हो जाएं, यानी कि डीएनए के सीवियर चेंजेस अगर डीएनए में हो जाते हैं तो वहाँ पर ये जेनेटिक ड्रिफ्ट हो सकती है, यानी कि जो डीएनए के सीक्वेंसेस हैं उन डीएनए के सीक्वेंसेस में कुछ ऊपर नीचे मतलब उनका जो पहले जो उनका एक लाइन में वो लगे हुए थे, और अगर जो पार्ट्स हैं उसके जो डीएनए के जो सीक्वेंसेस हैं ऊपर नीचे हो जाएं या उनमें कुछ सीवियर चेंजेस अगर उसमें हो जाते हैं तो जेनेटिक ड्रिफ्ट हो सकती है. दूसरा यहाँ पर एग्जाम्पल है चेंज इन नंबर ऑफ द क्रोमोसोम, अगर क्रोमोसोम का नंबर बदल जाए तो भी जेनेटिक ड्रिफ्ट हो सकती है, है ना, क्रोमोसोम का अगर नंबर चेंज हो जाएगा तो भी जेनेटिक ड्रिफ्ट देखने को मिल जाएगी. अब नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे नेचुरल सिलेक्शन की. नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच नेचर सेलेक्ट्स एंड कंसोलिडेट दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर मोर सुइटेबल एडेप्टेड एंड पजेसिस फेवरेबल वेरिएशंस. यानी कि नेचुरल सिलेक्शन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें नेचर किसी ऑर्गेनिज्म को सेलेक्ट करती है. ठीक है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें नेचर किसी ऑर्गेनिज्म को सेलेक्ट करती है, और ऑर्गेनिज्म क्या करता है, ऑर्गेनिज्म जो है अपने आप को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग मजबूत बना लेता है, कंसोलिडेट कर लेता है. अब मान लीजिए जैसे कोरोना है, ये आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो यहाँ पर ऐसे ऑर्गेनिज्म्स ईजिली बहुत जल्दी सही हो रहे हैं, या फिर यहाँ पर ज़्यादा टाइम के लिए ऐसे ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकते हैं जो इस कोरोना के टाइम पर भी अपनी बॉडी को इस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग बना लें. जैसा एनवायरनमेंट चल रहा है, यानी कि इसमें बताया जा रहा है कि आपको इम्यूनिटी अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म यहाँ लंबे टाइम के लिए सर्वाइव कर सकते हैं जिन्होंने अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर लिया है या फिर कंसोलिडेट कर लिया है, और जब वो अपने आप को इस तरीके से नेचर के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लें और नेचर ऐसे ऑर्गेनिज्म्स को क्या कर लें, सेलेक्ट कर लें, तो वो यहाँ पर एक लंबे टाइम के लिए रह सकते हैं, और उन कैरेक्टर्स को उन्होंने अडेप्ट कर लिया, जो उसके जैसा माहौल है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपने आप को चेंज कर लिया, और ऐसे ऑर्गेनिज्म क्या कहलाते हैं, नेचुरली सिलेक्टेड ऑर्गेनिज्म्स कहलाते हैं. अब नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे ज्योग्राफिकल आइसोलेशन की. ज्योग्राफिकल आइसोलेशन क्या होता है, इट इज़ कॉज्ड बाय माउंटेंस रेंजेस रिवर्स एक्सेट्रा. तो ये ज्योग्राफिकल आइसोलेशन क्या है, पहले तो हम ये आपको समझा देते हैं कि जो किसी ज्योग्राफी जो भौगोलिक एरिया होता है, यानी कि जो ज्योग्राफिकल एरिया होता है उस एरिया के अकॉर्डिंग किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो चेंजेस आते हैं उसे हम कहते हैं ज्योग्राफिकल आइसोलेशन. ठीक है, अब जैसे आप यहाँ इंडिया की बात करें तो इंडिया में अगर आप लोगों को देखेंगे तो सबका कलर कैसा है, मॉडरेट कलर है, कोई बहुत ज़्यादा फेयर नहीं है और कोई बहुत ज़्यादा काला नहीं है, सबके सब मॉडरेट कलर के हैं. अगर हम वहीं US की बात करें तो US में क्या है, वहाँ पर जो लोगों का कलर है ऑलमोस्ट कैसा है, बहुत ज़्यादा फेयर है. अगर हम साउथ की बात करें तो वहाँ पर साउथ जो एरिया है, जितना भी अफ्रीका ऐसे जो एरिया हैं वहाँ पर अगर आप लोगों को देखें तो बहुत ज़्यादा काले हैं. तो वहाँ पर जो इफ़ेक्ट है वो किसकी वजह से ऐसा हो रहा है, लोगों के अंदर ये सारे चेंजेस किसकी वजह से देखने को मिल रहे हैं, वहाँ के ज्योग्राफिकल एरिया की वजह से देखने को मिल रहे हैं. वैसे ही अगर कोई माउंटेंस वगैरह पर या ऐसी उनके रेंजेस में रहने वाला या रिवर के आसपास रहने वाला जो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर कुछ और टाइप के
कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। तो इसी को हम क्या कहते हैं, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन कहते हैं। अब देखो ज्योग्राफिकल आइसोलेशन जो है वो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन को क्या करेगा, लीड करता है। और जिसके और ऐसा क्यों करता है, क्योंकि इसमें क्या होगा, विच देयर इज़ नो फ्लो ऑफ जीन्स बिटवीन टू सेपरेटेड ग्रुप्स ऑफ द ऑफ पॉपुलेशंस। जैसे कि इसमें क्या होगा ज्योग्राफिकल आइसोलेशन में, कि अगर दो डिफरेंट पॉपुलेशंस हैं और वो जो दोनों डिफरेंट पॉपुलेशंस के ग्रुप हैं वो अलग अलग जगह पर रहते हैं, मान लीजिए एक पॉपुलेशन इंडिया में रहती है और जो दूसरी पॉपुलेशन है वो कहाँ रहती है, यूएस में रहती है, तो उनके जो चेंजेस हैं वो जो उनके जो ग्रुप्स हैं वो एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों जो ग्रुप्स हैं पॉपुलेशन के वो बिल्कुल अलग अलग होंगे और उनके बीच में कोई भी जीन फ्लो नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप कि आप ज्योग्राफिकल आइसोलेशन समझ गए होंगे। और आज के इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।